घर छोड़कर जाने वाले बेटे की तमसील, लूका 15:11-32। यसू ने कहा, किसी आदमी के दो बेटे थे। छोटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, जायदाद में जो हिस्सा मेरा है मुझे दे दीजिए। और बाप ने दोनों भाइयों में अपनी जायदाद तकसीम कर दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सारी जायदाद लेकर किसी दूर दराज के मुल्क चला गया और वहां उसने ऐशो इशरत में अपनी सारी जायदाद उड़ा दी। जब वो सब कुछ लुटा चुका तो उस मुल्क में जबरदस्त कहत पड़ा और उसकी हालत खराब हो गई। वो उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहां मुलाजिम हो गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब उसे होश आया तो वो सोचने लगा, मेरे बाप के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं लौटकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, अब्बा, मैंने आसमान के खिलाफ और आपके तई गुनाह किया है। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं रहा, मुझे अपने एक मजदूर की तरह अपने पास रख लीजिए। और वो अपने बाप के घर की तरफ चल दिया। बाप ने दूर ही से उसे देख लिया और उसका दिल रहम और शफकत से भर गया। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसको चूम लिया। तब बेटे ने उनसे कहा, अब्बा, मैंने जन्नत के खिलाफ और आपके तई गुनाह किया है। मैं आपका बेटा कहलाने लायक हरगिज नहीं रहा। लेकिन बाप ने अपने नौकरों से कहा, फौरन जाओ, बेहतर से बेहतर लिबास लाओ, इसे पहनाओ, हाथों में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ, एक मोटा ताजा बकरा लाकर जिबा करो, हम मिलकर खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। और वो लोग मिलकर खुशियां मनाने लगे। उनका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो लौट कर घर पहुंचा तो उसे रक्स और मौसीकी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? मुलाजिम ने जवाब दिया, आपके भाई लौट आए हैं और आपकी वालिद ने एक बकरा जिबा करवाया है, क्योंकि उन्होंने आपके भाई को बखैरियत वापस पाया है। इस पर वो नाराज हो गया और उसने अपने घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तब बाप उसे मनाने के लिए बाहर आए, लेकिन उसने अपने बाप को जवाब दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी खिदमत कर रहा हूं, मैंने कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं की, फिर भी आपने मुझे कभी बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मना सकूं। लेकिन जैसे ही आपका वो बेटा लौट आया जिसने तवाइफों के दरमियान आपकी जायदाद उड़ा दी, उसके लिए आपने बकरा जिबा करवा डाला। इस पर बाप ने उससे कहा, बेटा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, लेकिन खुशी मनाना ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो मर गया था वो अब दोबारा जिंदा हुआ है, वो जो खो गया था अब दस्तयाब हुआ है।